स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। दोस्तों, यूपी में कोरोना की स्थिति भले ही सामान्य हो गई है, लेकिन बढ़ते डेंगू, खांसी और वायरल फीवर की वजह से यूपी में 120 बच्चों की मौत हो गई है। दहशत का माहौल है, चाहे वो यूपी की राजधानी लखनऊ हो, मेरठ हो या फिर फिरोजाबाद हो। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कहीं न कहीं पर किसी न किसी रूप में डेंगू का वायरल फीवर चल रहा है। तो इसी वायरल फीवर के बढ़ने और हो रही मौतों के कारण उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। क्या बयान दिया है, दिखाएंगे आपको वीडियो में, साथ ही आपको बताएंगे डेंगू वायरल फीवर के कारण यूपी के सभी स्कूल जल्द ही बंद होने वाले हैं। जी हाँ, डॉक्टर दिनेश शर्मा का वायरल फीवर को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, हर एक मौत इस बीमारी से दुखदाई है, स्थिति पर टीम नजर बनाई हुई है। तो क्या पूरा मामला है बताएंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। क्या विद्यालय बंद हो रहा है, इसके बारे में आपको प्रूफ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहां पे नवभारत टाइम्स का टाइटल देख सकते हैं, आर्टिकल छपा हुआ है, लगभग 4 सितंबर को यानी कल के दिन डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान, डेंगू का प्रकोप बढ़ा तो बंद करेंगे यूपी के स्कूल। क्या पूरा मामला है आपको इसमें बताएंगे, अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा शनिवार को काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के बाद वाराणसी से बुलानाला पहुंचे। यहां उन्होंने एक पार्टी कार्यकर्ता के घर जाकर उससे मुलाकात की। इस दौरान जब डॉक्टर दिनेश शर्मा से पूछा गया कि वायरल बुखार या डेंगू से बच्चों की मौत जो हो रही है, क्या स्कूल बंद किए जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा, बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, अगर ऐसी किसी तरह की जरूरत समझ में आएगी तो तत्कालीन व्यवस्था को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। दिनेश शर्मा ने कहा, एक भी मौत बहुत ही दुखद है, सरकार पूरी तरह से सुरक्षा को देखते हुए बच्चों पर काम करेगी। वायरल से हो रही मौतों के सवाल पर उन्होंने कहा, हमारी सरकार संचारी रोग और मौसमी रोगों की इलाज की तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने कहा, हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना स्थल पर गए हैं। देखिए, एक भी मौत कहीं भी हो वो हमारे लिए दुखदाई है, बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, और अगर कहीं ऐसा लगेगा तो हम जरूर उसके बारे में जो तत्कालीन जो व्यवस्था होगी उसको देखते हुए निर्णय सरकार लेगी। इसके साथ उन्होंने कहा, जल्द बीमारी पर पाएंगे नियंत्रण। यानी आपको बता दें दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि डेंगू का प्रकोप जिस प्रकार से बढ़ रहा है और सभी जनपदों में उत्तर प्रदेश के जिस प्रकार से मौत हो रही है, लगभग 120 लोगों की मौत हो चुकी है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी मौत हुई है, इस वजह से प्रकोप बढ़ रहा है, दहशत है, माता पिता में भी दहशत बनी हुई है। इस वजह से डॉक्टर दिनेश शर्मा जल्द ही सितंबर माह में ऐलान ही कर सकते हैं कि विद्यालय बंद किया जाए। जी हाँ, कोरोना की स्थिति सामान्य है, लेकिन डेंगू का प्रकोप, वायरल फीवर का प्रकोप के कारण लगातार बच्चों में डेंगू फैलते जा रहे हैं और उनका प्लेटलेट्स कम हो रहा है, इस वजह से उनकी मौत हो रही है, और यही कारण है कि जल्द फैसला हो सकता है स्कूल बंद होने पर। तो हर जगह पे ये जानकारी है, आप इसमें भी टाइटल देख सकते हैं आज तक पर, डेंगू के कहर के बाद क्या यूपी में फिर बंद हो जाएंगे स्कूल, डिप्टी सीएम ने दिया है ये बयान। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा के बयान के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से विद्यालय बंद होगा, चाहे वो 1 से 8 तक हो या 12वीं तक हो, लेकिन विद्यालय सितंबर माह में इसी कारण से बंद किया जाएगा, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्या विद्यालय बंद होना चाहिए या नहीं, या फिर ऐसे ही आपको विद्यालय जाना है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, जिससे आपके मन में क्या बातें चल रही हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें पता चलता रहे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।